हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ये कमेंट अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम इन्हीं के कमेंट के अनुसार टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस माँ लाइफ गोल्ड प्लान के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बेनिफिट और इसके लिमिटेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बने रहना मेरे साथ, देखना वीडियो को एंड तक। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर विजिट किया है तो वेलकम है जी, और वीडियो को आप एंड तक देखें। आपको पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी आपके प्रश्नों के अनुसार, वो भी सबसे पहले, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। प्लान जो है टाटा AIA की तरफ से है, माँ लाइफ गोल्ड इसका नाम है, तो इसलिए कंप्लीट नेम हो जाता है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस माँ लाइफ गोल्ड प्लान। इस प्लान की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। प्लान के अंदर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, 85 इयर्स तक आप कवर ले सकते हैं या आप होल लाइफ के लिए जा सकते हैं। जी हाँ, ये एक होल लाइफ प्लान भी है और 85 इयर्स तक के अंदर भी आपको कवर मिल जाता है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखते हैं ह्यूमन लाइफ का एक एवरेज निकालेंगे अपनी कंट्री के डेटा के बेस पे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 70 इयर्स या थोड़ा सा इससे ऊपर नॉर्मल एक एवरेज एक ह्यूमन लाइफ हमारे कंट्री के अंदर है, कि मतलब एक आदमी जो है ऑन एन एवरेज 70 साल या 72-75 साल तक ही जिंदा रहता है अपनी कंट्री के अंदर। तो उसको ध्यान में रख के अगर हम देखें 85 इयर्स तक अगर हमें एज अलाउ कर रहे हैं कवर के लिए, अच्छी बात है। बाकी 100 इयर्स का भी ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। ठीक उसी के अनुसार जो उसका एज एंट्री है 30 डेज से लेके 55 इयर्स और 30 डेज से लेके 60 इयर्स, ये दो वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। प्लान के टर्म की अगर आप बात करें तो 85 इयर्स में से माइनस कर देना आप अपनी एज, प्लान की टर्म निकल के आ जाएगी। दूसरी तरफ 100 में से आप माइनस कर देंगे अपनी एज तो भी आपको प्लान की टर्म पता लग जाएगी। पीपीटी की बात करें जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म, तो 6 इयर्स, 8 इयर्स और 15 इयर्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहीं पे अगर मोड ऑफ प्रीमियम की हम बात करें तो ईयरली और हाफ ईयरली और उसी के साथ में मंथली। अब मंथली का ऑप्शन है ईयरली और हाफ ईयरली के साथ में, तो आप समझ जाइए कि ऑटो डेबिट को ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे मिलने वाली है और ऑटो डेबिट के बेस पे ही आपका मंथली होगा, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे लोडिंग चार्जेस भी लगेंगे जिसकी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और समर शॉर्ट की अगर बात करें तो मिनिमम समर शॉर्ट 1 लाख रुपीज का, मैक्सिमम डिपेंड करेगा आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के ऊपर और अंडर राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर कंपनी के। लेकिन अगर आप हायर समर शॉर्ट के लिए जाते हो तो अगेन आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है, जो पर 1000 रुपीज जो डिटेल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट की। तो देखिए, जैसे आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे और आपकी पॉलिसी का 10वां साल 10th ईयर स्टार्ट होगा तो 1000 रुपीज पे 55 रुपीज का ये बोनस आप मान लीजिए, और इसको अगर आप लाख पे कैलकुलेट करेंगे तो 5.5% आ जाएगा, जो कि आपके समर शॉर्ट का 5.5% आपको मिलेगा जब तक आपका पॉलिसी चालू रहेगा तब तक। ठीक है, पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट इसमें ये है, जैसे ही आपकी पॉलिसी का 6 इयर्स कंप्लीट होगा, फर्क नहीं पड़ता कि आपने पॉलिसी टर्म कौन सा सिलेक्ट किया, 6 इयर्स, 8 इयर्स और 15 इयर्स, जैसे ही 6 इयर्स कंप्लीट होगा तो यहाँ पे अनडिसाइडेड है, मतलब कोई गारंटीड नहीं है, राइट, जिसे डिविडेंड बोल रहे हैं, कि नॉन गारंटीड डिविडेंड आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब डिविडेंड क्या है कि ये बोनस रेट है जो कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार हर साल अनाउंस करती है। अब ये ज्यादा होता है कम होता है, जैसे 2011 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1000 रुपए पे 28.6 कुछ रुपए था, अब पिछले कुछ सालों में शायद ये 40 के आसपास भी पहुंचा है, तो ये अप एंड डाउन होता रहेगा, तो ये नॉन गारंटीड है। अब नॉन गारंटीड है तो इसके ऊपर आपको कमिटमेंट नहीं दी जा सकती कि मिनिमम इतना या मैक्सिमम इतना, जैसा परफॉर्मेंस होगा उसी के अनुसार पॉलिसी के 6 इयर्स कंप्लीट होने के बाद में ये आपको नॉन गारंटीड डिविडेंड बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा, प्लान की मैच्योरिटी पे जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग समर शॉर्ट और अगर कोई गारंटीड जो रिटर्न पे आपको पे करना, जिसे ये बोलते हैं गारंटीड कूपन्स बोलते हैं एनुअली रिटर्न्स को ये, राइट, मैं उसको यहाँ पे साधारण शब्दों में कह रहा हूँ कि गारंटीड जो रिटर्न है जो 10th ईयर से मिलना है आपको वो मिल जाएगा अगर कोई बचा है, या जो नॉन गारंटीड जो डिविडेंड अगर वो मिलना है तो वो भी मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। डेथ बेनिफिट की अगर बात करें, मैच्योरिटी से पहले अगर डेथ होती है, राइट, या मान लीजिए 15 इयर्स का आपने टर्म सेलेक्ट किया और ऐसे में आपकी डेथ हो जाती है 15 इयर्स से पहले, तो क्या होगा यहाँ पे कि जो आपने प्रीमियम पे किया उसका 105% तक आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद में अगर डेथ होती है तो जो एनुअल प्रीमियम है उसका 10 टाइम या जो बेसिक समर शॉर्ट है वो, इसमें से जो भी हाई होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसके डेथ बेनिफिट।
अब बात आती है इस प्लान में क्या क्या एडोन्स देखने के लिए मिलते हैं। एडोन्स काफी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे हम राइडर बोलते हैं, जैसे कि आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल एंड पार्शियल डिसेबिलिटी राइडर, इसी के साथ में प्रीमियम वेव ऑफ राइडर राइट और क्रिटिकल इलनेस राइडर और एक्सेट्रा, और भी राइडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। प्लान में फ्री लुकअप जो पीरियड है 15 डेज का आपको मिलेगा अगर आप डायरेक्टली बाय करते हैं, डिस्टेंस मार्केटिंग के थ्रू बाय करेंगे 30 डेज का आपको फ्री लुकअप पीरियड मिल जाएगा, मंथली मोड चूज करेंगे 15 डेज का ग्रेस पीरियड है, और बाकी अदर मोड चूज करते हैं तो आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। इसी के साथ में मान लीजिए पॉलिसी लेने के बाद अगर आप अपना मोड ऑफ प्रीमियम चेंज करना चाहते हैं तो जो आपका ड्यू डेट आएगा उससे पहले 30 दिन पहले आप अपनी कंपनी को मतलब इंश्योरेंस कंपनी को आप रिटर्न में एक एप्लीकेशन लिख के दे देंगे और ब्रांच जाके सबमिट कर देंगे तो आपका मोड ऑफ प्रीमियम भी आप चेंज यहाँ पे कर पाएंगे। अब हम एग्जांपल के बेस पे यहाँ पे समझेंगे कि कैसे कैसे हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। एक स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, उसे आप देखना। मैंने नॉन गारंटेड जो बेनिफिट है जैसे डिविडेंड बोल रहे हैं हम यहाँ पे राइट, उस पर एक लकीर खींची हुई है। क्यों? क्योंकि वो गारंटेड नहीं है। तो उसके बारे में अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मिनिमम या मैक्सिमम आपको इतना ही आएगा तो मुझे नहीं लगता वो सही होगा। इसलिए जो स्क्रीन के ऊपर आप उसको कंसीडर कर लेना, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है ये कंपनी का जो ब्राउसर है राइट, वहीं से मैंने लिया है। और एक चीज और बता देता हूं, जब आप इनके ब्राउसर को या प्रोस्पेक्ट को सर्च करेंगे तो 3 से 4 तरीके के ब्राउसर आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करेंगे जिसका लिंक मैंने आपको दिया है तो वो केवल एक ही तरीके का मिलेगा, जहां पे आपको 40 इयर्स एज का आपको एग्जांपल मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे 35 इयर्स लिया है। मान लीजिए किसी की एज 35 साल की है तो ऐसे में जो प्लान की टर्म हो जाएगी 85 से माइनस कर लेंगे हम 35, तो 50 इयर्स का टर्म हमें निकल के आ जाएगा। 15 इयर्स का हमने यहाँ पे ले लिया है पीपीटी और 5 लाख का ले लिया है हमने यहाँ पे समर शॉर्ट। तो प्रीमियम आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे करना है वो 67,900 रुपीज ईयरली का, 15 साल का हमने टर्म लिया है तो 15 से इसको गुणा कर देंगे तो 10,18,500 रुपए का टोटल पेड प्रीमियम हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है। अब जैसे ही 10वां साल कंप्लीट होगा तो हमारे समर शॉर्ट का 5.5% 5.5% हमें मिलना शुरू हो जाएगा। अमाउंट बन जाता है एक साल का 27,500 रुपीज, 41 ईयर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11,27,500 रुपीज आ जाएगा। मेच्योरिटी पे हमें क्या मिलेगा? हमारा समर शॉर्ट मिल जाएगा। तो टोटल अब हम यहाँ पे कर लेते हैं तो ये जो अमाउंट आपके सामने ये तो हो गई गारंटीड शॉर्ट शॉर्ट। बाकी जो आप नॉन गारंटीड देख रहे हैं वहां पे मैंने लकीर खींची हुई है स्क्रीनशॉट पे, उसको आप ऐड कर लेते हैं तो ये हमें टोटल रिटर्न मिल सकता है। अब ये नॉन गारंटीड है तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में बात करना मुझे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब मैं खुद ही मेरे पास में ये इन्फॉर्मेशन है कि ये नॉन गारंटीड है, हम इसको कमिट नहीं कर सकते कि हम मिनिमम इतना या मैक्सिमम इतना देंगे ही, तो इसके बारे में बात करना मुझे सही नहीं लगता। तो इसीलिए हमें पॉलिसी ब्राउचर में जब हम सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं और हम बात करते हैं इस नॉन गारंटेड डिविडेंड की, तो पॉलिसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पॉलिसी बॉन्ड का जो पेपर है, वहां पे लिखा है साफ कि आप ब्रांच विजिट करें वहां पे आपको लेटेस्ट पता लगेगा, ऐसे नहीं, क्लियर लिखा है उसके अंदर। अब क्योंकि ये पॉलिसी होल लाइफ के लिए है तो जो सरेंडर वैल्यू का 65% तक आप लोन के लिए भी जा सकते हैं, सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो है वो 10% से लेके 90% तक हमें देखने के लिए मिलता है ईयर बाय ईयर। तो इसलिए सरेंडर वैल्यू जब हम काउंट करते हैं हम क्या करते हैं, टोटल जो हमारा पेड अप वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सरेंडर वैल्यू फैक्टर, तो हमें पता लग जाता है कि भाई हमारा इतना सरेंडर वैल्यू हो गया और उसका 65% तक हमें लोन मिल जाएगा। अब सरेंडर वैल्यू फैक्टर अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड करें, सारी इन्फॉर्मेशन को आप क्रॉस चेक कर पाएंगे। इसी के साथ में इस पॉलिसी को लेने के बाद अगर किसी की फर्स्ट ईयर पे ही डेथ हो जाती है तो समर शॉर्ट को 20% तक क्लेम के रूप में मिलेगा, लेकिन अगर सेकंड ईयर में होते तो 40% ऑफ समर शॉर्ट, थर्ड ईयर में होते तो 60% ऑफ समर शॉर्ट, और फोर्थ ईयर में होती है तो 80% ऑफ द समर शॉर्ट मिल पाएगा। अब ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक बेनिफिट आपको और देखने के लिए मिलता है वो ये कि रिड्यूस पेड अप पॉलिसी ये बन जाती है। अब रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में क्या होगा कि कम से कम एक साल प्रीमियम पे करना जरूरी है, तो रिड्यूस पेड अप पॉलिसी की कैलकुलेशन हम सबको पता है, जो हमारे पहले वाले व्यूअर्स हैं उनको कई बार बता चुका हूं कि जितने नंबर ऑफ प्रीमियम मतलब जितने साल प्रीमियम पे करा है, 1 साल 2 साल 3 साल, उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितने रिमेनिंग रह गए हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं समर शॉर्ट से, तो वो हमारा क्या था रिड्यूस जो पेड अप पॉलिसी का जो बेनिफिट है, जो समर शॉर्ट है वो निकल के आ जाएगा जो बेनिफिट है,
वो निकल के आ जाएगा और उस बेनिफिट का ही फिर 5.5% जब पॉलिसी का 10वां ईयर लगेगा मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से पॉलिसी काम करेगी और मेच्योरिटी होगी तो जो रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का जो समर शॉट बन रहा है वो आपको फिर मिल जाना है। और देखिए जैसा कि इस तरीके के प्लान में देखा जाता है कि अंडर 80C जो हम प्रीमियम पे करते हैं वहां पे हमें टैक्स में छूट मिलती है और दूसरी तरफ 1010D जो हमारी मेच्योरिटी होती है वो हमें टैक्स फ्री मिलती है, तो यहां पे भी है। क्योंकि ये प्लान क्या है, ये एक नॉन लिंक्ड और पार्टिसिपेटिंग प्लान है, मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं है और कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट्स होगा, जो उनको मुनाफा होगा आपके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार उसको शेयर करती रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी, बाकी डिटेल जानने के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन में लिंक दिया है, वो आप जरूर रीड करना तभी आगे प्लान के बारे में सोचना। बिना पॉलिसी डॉक्यूमेंट रीड किए प्लान के बारे में बिल्कुल मत सोचना और इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन में आपके साथ में वो लिंक शेयर करता हूं हर एक वीडियो में। ठीक है, तो चलता हूं, विदा लेता हूं, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में आपके किसी प्रश्न के उत्तर के साथ। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, 900 से भी ज्यादा वहां पे पोस्ट है और हर एक पोस्ट किसी ना किसी के प्रश्न का उत्तर ही है। जल्दी विदा लेता हूं, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में आपके किसी प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप सभी बहुत ही मूल्यवान है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ जिससे और मन लगा के आपके लिए काम करने में मजा आए।